कागज पत्र भी ले गया है, वो भी इधर भी इधर है। सामान कहाँ पर पाया गया? सामान वहाँ पर एक पंडित जी का नया मकान बन रहा है, अच्छा वहीं पाया गया है, ठीक है ना जी। सामान बरामद नहीं है, सिर्फ वही खाता पासबुक ही बरामद हुआ है। कितने का आशंका लगाया जा सकता है? ये सर 5 किलो का चांदी का माल है, 100 ग्राम सोना का माल है। टोटल लगभग कितना का होगा? लगभग वही 6-7 लाख का। मैंने बताया गया था कि 5 से वैभव हुआ है। हाँ, मोटा मोटी कुछ कैश भी था उसमें, अच्छा। जो गिनती नहीं था, मालिक तो यहाँ से आया नहीं, अच्छा। मालिक दिल्ली के। मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम रंजन कुमार वर्मा है, दिल्ली के हुए। रहने वाले कहाँ के? कैंदी के रहने वाले हैं। उनके पिताजी के नाम? उनका नाथन साहू वर्मा, नाथन साहू। और उनको गया हुआ यहाँ से हो गया है 3-4 दिन। इस चीज रंजन भैया को मालिक घर में कोई नहीं है जी। और घर में लेडीज बॉडीज भी कोई नहीं है, सिर्फ उनका पिताजी एक स्टाफ है, स्टाफ का नाम बबलू कुमार वर्मा है, ठीक है ना। और ये सुबह खबर हमको मिला कि श्रवण भैया जो मेरे दुकान में डकैती हो गया, उनको भी गांव के लोग ही खबर दिए हैं। क्या इससे पहले भी और भी कभी इस दुकान में हुआ था? हाँ हाँ हाँ, एक बार हुआ था। वो कब की बात होगा? वो आज से अभी 10 साल होगा। आप लोगों को एक किसी साल में हो जी? नहीं, 15 साल। या इसे और भी पहले चाहिए? चौक ऊपर चौक नहीं नहीं, नहीं कहीं चोरी कदम कदम नहीं हुआ। अच्छा, ये नहीं, यहाँ सोनता जी दुकान में हुआ। क्या आप बता सकते हैं इससे पहले कब क्या हुआ था और भी किसी दुकान में? चौक पर बगल में हुआ था, 3 बार हुआ चोरी। कहाँ? दुकान में हुआ है? हाँ, दुकान में हुआ। कौन सा दुकान में? यहीं उदय के बगल में हुआ। शिकायत भी किया, स्कूल में भी हुआ चोरी, वो भी शिकायत गया, लेकिन कोई प्रशासन की कोई यहाँ कुछ नहीं एक्शन लेता। तो किस चीज का दुकान था वो? किताब का दुकान है। किताब का दुकान? हाँ, स्कूल में भी हुआ था। स्कूल में फिलहाल हुआ, लगभग 1-2 महीना हो रहा है। क्या हुआ था उसमें? स्कूल में क्या चोरी? उसमें जो खाना बना ला, जितना सामान था ना, सब चोरी करके लग गया। वो रात में हुआ था जी। हाँ, तो गेट में तो बड़ा गेट लगा हुआ रहता है। ये इस कौन स्कूल में? मिडिल स्कूल में, 5-6 फीट का गेट लगा हुआ। अच्छा, वो तो बाउंड्री आसान है। चलिए ठीक है। अरे इससे साफ जाहिर है कि बस लोकल ही काम है, लोकल ही गांव का लोग किया। लोकल का बात नहीं है, हमारे साहब के चलते ऐसा हो रहा है।